हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूट्यूब चैनल ऑफ प्रेसिस विद्यापीठ। स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे क्लास सिक्स के लेसन सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री इन द पास्ट। आज ये क्लास सिक्स का लेक्चर है और लेसन का नाम है सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री इन द पास्ट। तो इसमें जो इस चैप्टर में हम लोग ये बात करेंगे कि पास्ट के बारे में या हमारे इतिहास के बारे में हमें जानने के लिए कौन कौन से सोर्स हैं, कौन कौन से ऐसे सोर्स हैं जिससे हमें पूर्व के बारे में, अपने पास्ट के बारे में हमें पता चलता है। तो पहले हम लोग ये बात कर लेते हैं कि बीसी और एडी दो वर्ड यूज किए जाते हैं। बीसी का जो फुल फॉर्म है वो बिफोर द क्राइस्ट, ये है बिफोर द क्राइस्ट कहा जाता है। इसमें क्या होता है कि जो डेट्स होते हैं वो बैकवर्ड डायरेक्शन में चलते हैं, जैसे कि 500 बीसी या 800 बीसी या 1000 बीसी, ये 100 बीसी, 200 बीसी, 300 बीसी इससे पहले आएगा। मतलब ये जो है ये बैकवर्ड में चलते हैं। अगर कहीं पे लिखा हुआ है 400 बीसी, कहीं पे लिखा हुआ है 200 बीसी, तो इसका मतलब ये है कि 200 500 से ज्यादा माना जाएगा। तो इसमें जो होते हैं डेट्स वो बैकवर्ड में चलते हैं। दूसरा वर्ड यूज किया जाता है एडी या एनो डोमिनी, इसका मतलब होता है इन द ईयर ऑफ लॉर्ड्स, इसमें आगे की तरफ डेट चलते हैं, इसमें डेट आगे की तरफ चलते हैं। जैसे सपोज कीजिए कि बीसी को अगर हम बात करें, सपोज कीजिए कि जैसे महात्मा बुद्ध है, महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ था 563 बीसी में, इनका जन्म हुआ था 563 बीसी में। अब अगर हम उनके, हमें ये जानना है कि कितने साल पहले हुआ था, तो मान लीजिए कि ये 2020 चल रहा है, तो 563 में ऐड कर दीजिए 220 जब ऐड कर देंगे तो ये इस तरह से होगा कि 563 और 220 तो जाएगा 3852। इसका मतलब है कि उनका जो जन्म हुआ था वो 2583 साल पहले हुआ था आज के समय से। तो इस तरह से बीसी में डेट निकालनी होती है तो हमें जिस ईयर में निकालना होता है उस ईयर को उसमें ऐड कर दिया जाता है, और एडी में जब निकालना होता है तो उसी को माइनस कर दिया जाता है, तो वो एडी में डेट आ जाती है। तो ये तो हुआ कि रिगार्डिंग ऑफ पास्ट इवेंट्स, कि हम पास्ट जो इवेंट्स है उसको कैसे रिकॉर्ड करते हैं। तो एडी का मतलब है एनो डोमिनी इन द ईयर ऑफ लॉर्ड्स, जो कि फॉरवर्ड चलता है। अगर हम इस तरह से एग्जांपल लें कि महात्मा बुद्ध का जन्म अगर मान लीजिए 563 में हुआ है, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य अगर 380 एडी में, अगर मान 380 एडी में वह सिंहासन पर बैठा था, थ्रोन पर बैठा था, तो इस समय अगर हम देखें कि कितने साल पहले वो मतलब कि राजा बना था, तो उसमें हम 2020 माइनस कर देंगे, तो 2020 में अगर हम माइनस कर दें 380, तो जाके 0, 12, 4 और 9, 3, 6 तो हो जाएगा 2640 पर पहले। तो इस तरह से हम लोग जो है इसको ऐड करते हैं, माइनस यहाँ कर दिया जाता है, तो ये हो जाएगा 1640 ईयर्स पहले। तो इस तरह से जब हमें अगर बीसी का करना है तो हम ऐड कर देंगे, एडी का निकालना है तो हम माइनस कर देंगे। तो ये जो है, जो बीसी है वो बैकवर्ड डायरेक्शन में चलता है और एडी जो है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में चलता है। ये आप समझ सकते हैं कि जैसे 800 बीसी है तो 400 बीसी के पहले आएगा। अब आइए सोर्सेज ऑफ नोइंग द पास्ट। हमें सोर्स, हमारे पास क्या क्या सोर्स हैं जिससे कि हम अपने पास्ट के बारे में जानते हैं। पास्ट के मतलब कि अपने भूत के बारे में, अपने एंशियंट पीरियड के बारे में जानते हैं। कैसे हमको पता चलता है वो हमारे लिए कौन कौन से सोर्स हैं। ऐसा तो है नहीं कि आदमी मतलब आज से 50 साल 200 साल पहले की बात जानता है। जो कुछ हमें सोर्स होते हैं वो या तो लोगों के द्वारा बताए गए होते हैं, या हमें लिखित कोई जानकारी मिलती है, या हमें कोई ऐसे प्रमाण एविडेंस मिलते हैं जिससे हम जानते हैं। किसी की कहीं सुनाई बातों पे भी हम विश्वास से नहीं कर सकते हैं कि ऐसा हुआ होगा। तो हिस्ट्री जब राइट की जाती है तो उसके लिए उसके प्रूफ चाहिए, एविडेंस चाहिए।
और उस एविडेंस के आधार पर ही हिस्ट्री लिखी जाती है। विदाउट एविडेंस नहीं लिखा जा सकता कि पता नहीं वो बात सही है या नहीं सही है। अगर हम ही से कोई बात कोई कह दे तो हम हिस्ट्री के बारे में कि ऐसा हुआ था तो हम उस पर आंख विश्वास नहीं कर सकते। हम तभी विश्वास करेंगे जब तक जब हमें उसका कोई प्रमाण मिल जाए, हमें उसका कोई एविडेंस मिल जाए। तो फर्स्ट जैसे सोर्स है सील्स, जो हमें सील मिलती है, मोहरी मिलती है, वह भी हमें उस समय के टाइम के उस समय के हमें लोगों के जो उनकी लाइफ है उनके जीवन के बारे में उनके विश्वास के बारे में हमें बताती है। हालांकि सील्स बहुत ढेर सारे मिलते हैं लेकिन उन सभी को पढ़ा जाना और उसे समझा जाना जो है इतना आसान नहीं है। इट इज वेरी टफ जॉब। तो हमें बहुत सारे सील मिलते हैं। इसी तरह से सील किस एज को बिलोंग करते हैं, किस एज के ये सील है, ये जानना बहुत कठिन होता है। तो सील पे जल्दी जो मोहर होती है उस पर डेट वोट तो होती नहीं है, कुछ सिंबल्स वगैरह ही होते हैं, चिन्ह वगैरह ही होते हैं जिनसे कि हम उनके बारे में पता लगाते हैं कि ये किस समय की सील है और उस समय लोग क्या विश्वास करते थे, लोगों का जीवन स्तर कैसा था, इससे हमें सील्स के बारे में पता चलता है। इसके अलावा दूसरा सोर्स है, तो सील बहुत सारे मिलते भी हैं लेकिन उन्हें पढ़ना बहुत ही मुश्किल काम है, उससे जानकारी निकाल पाना बहुत मुश्किल काम है। इससे सील जो है उतना जो है हमारे लिए उपयोगी नहीं है क्योंकि उसमें जल्दी जो है सिंबल्स ही होते हैं, चिन्ह ही होते हैं और किस समय के हैं ये पता कर पाना थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन फिर भी हमें कुछ न कुछ इन्फॉर्मेशन वो जरूर देते हैं। सेकंड आता है मैनुस्क्रिप्ट। मैनुस्क्रिप्ट में मैनुस्क्रिप्ट वो होते हैं जो कि रिकॉर्डेड हिस्ट्री होते हैं, लिखित होते हैं, जो कि किसी चीज पर लिखे जाते हैं। जब से आदमी ने पढ़ना लिखना सीखा, जैसे कि हमारा जो हिस्ट्री है उसमें आप देखते हो गोल्ड स्टोन एज है, न्यू स्टोन एज है, ब्रॉन्ज एज है, आयरन एज है, कई एज है। तो पहले तो शुरुआत में तो आदमी कुछ पढ़ना लिखना जानता नहीं था। जैसे जैसे सिविलाइजेशन का डेवलपमेंट हुआ, जैसे जैसे सभ्यता का विकास हुआ, वैसे वैसे लोग पढ़ना लिखना भी जानने लगे। तो जब से लिखावट शुरू हुई, ये समझ लीजिए कि जब से लोग लिखना सीखे, जब से लिखा जाने लगा, तब से मैनुस्क्रिप्ट का महत्व हुआ। अब मैनुस्क्रिप्ट जो है, जो लिखी हुई चीजें हैं, उनसे हमें इतिहास के बारे में पता चलता है। तो जब आदमी लिखना शुरू किया था उस समय हमारे पास पेपर तो अवेलेबल नहीं था, हमारे पास उस समय पेपर नहीं होता था। उस समय हमारे पास पहले जैसे मान लीजिए भोजपत्र था, लोग भोजपत्र पर लिखते थे। भोज एक ट्री है, उसके छाल को निकाल करके उसी पर लिखा जाता था। तो एंशिएंट पीरियड में भोजपत्र पर लिखने की बहुत अधिक प्रथा है क्योंकि ये थोड़ा अस्थायी होता था, बहुत जल्दी खराब नहीं होता था। लोग नेचुरल कलर्स प्रिपेयर करते थे वनस्पतियों से, मतलब प्लांट से, पौधों से, इस सबसे लोग नेचुरल कलर प्रोड्यूस करते थे, बनाते थे और उसी से वो लोग भोजपत्र पर लिखते थे। इसके अलावा लोग क्ले टेबलेट, मिट्टी के बने हुए, आप आज के जमाने में स्लेट कर सकते हैं, स्लेट का मिट्टी के बने हुए स्लेट पर लिखते थे। फिर जब मेटल्स आया तो कॉपर प्लेट पर लोग लिखने लगे, कॉपर के प्लेट पर लिखने लगे। इसके अलावा हमें और जो लिखी हुई चीजें जो मिलती हैं, वो जैसे कि मिलती है इंस्क्रिप्शन ऑन पिलर्स। बहुत सारे ऐसे राजा थे उस समय जो अपनी बातों को पिलर पर लिखवा देते हैं, तो पिलर पर खुदाई करके लिखी जाती थी। तो उससे हमें उस समय के राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, इन सब के बारे में पता चलता है। तो पिलर्स वगैरह पर जो लिखी जाती थी चीजें, वो जल्दी वो एक तरह से ऑर्डर ऑफ किंग्स होते थे, राजाज्ञा होती थी वो, जो कि पिलर्स पर लिखी जाती थी। कभी कभी मंदिरों पर भी लिखी जाती थी, राजा कोई मंदिर बनवाता था तो उस पर भी लिखता था। तो हमें पिलर्स पर मिलते हैं, केक में मिलते हैं, मंदिरों पर लिखी हुई चीजें मिलती हैं। ऐसे अगर कोई मंदिर बनाया गया है तो उसमें ये भी इंस्क्राइब किया जाता था कि हुज़ किंग हैड मेड दिस बिल्ट दिस टेंपल, कि किसने इस टेंपल को बनवाया, ये भी लिखा जाता था कि कितना टाइम लगा इसको बनवाने में, कितना पैसा खर्च हुआ, ये भी कभी कभी लिखा जाता था। राजा का नाम लिखा जाता था। तो उससे हमें उस समय के लोगों के धार्मिक जीवन के बारे में भी पता चलता है। बाद के समय में जैसे चार वेद जो है हमारे, ऋग वेद, साम वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, जो चार वेद हैं वो लिखे हुए हैं, रिटन वर्क है ये सब। इससे भी हमें इतिहास के बारे में पता चलता है कि एंशिएंट पीरियड में हमारे पूर्वज जो है वो
कैसे थे, उनकी क्या लाइफ स्टाइल थी, कैसे क्या उनके रहन सहन का असर था, उनके नॉलेज का क्या लेवल था। जैसे कि वेदों से हमें पता चलता है कि उस समय नक्षत्रों ग्रहों का ज्ञान लोगों को था, मैथ के बारे में और मेडिसिन के बारे में अथर्ववेद से पता चलता है, जो समय पूजा पाठ करने की जो मेथड थे, जो विधियां थी, जो रिचुअल्स थे, ये सब भी हमें पता चलता है। तो जो वेद है चारों, ये भी हमारे सोर्स है हिस्ट्री जानने के, हमारे पास जानने के लिए। इसके अलावा एंशियंट टिपिक्स हैं, जैसे रामायण है, महाभारत है, ये सब भी हमें, ये मैन्युस्क्रिप्ट में आते हैं, इन सब से भी हमें इतिहास के बारे में पता चलता है। उस समय ये सब वो लिखा गया है, रामायण जैसे लिखा गया है, तो उस समय के राजनीतिक स्थितियों के बारे में, उस समय की सामाजिक स्थितियों के बारे में, एक राजा के क्या कार्य होते थे, व्हाट वेयर द ड्यूटीज एंड रिस्पांसिबिलिटीज ऑफ ए किंग एंड व्हाट वेयर ड्यूटीज एंड रिस्पांसिबिलिटीज ऑफ ए पीपुल आल्सो, ये सब हमें पता चलता है। उस समय की जो नीतियां हैं, जो पॉलिसीज हैं, उनके बारे में पता चलता है। राजा कितना ध्यान देता था अपनी प्रजा का, इस बारे में पता चलता है। तो रामायण से उस समय जो है किस तरह की परिस्थितियां थी, साम्राज्य कहाँ कहाँ किसका था, ये सब भी हमें रामायण से पता चलता है। उसे जैसे हमारे महाभारत है, तो महाभारत से भी हमें पता चलता है कि उस समय की राजनीतिक स्थितियां क्या थी, उस समय की सामाजिक स्थितियां क्या थी, उस समय जो मैन और वुमेन थे उनकी स्थिति समाज में क्या थी, उस समय की हेयर स्टाइल क्या थी, लोग कौन से अर्नामेंट पहनते थे, कौन कौन लोग पहनते थे, ये सब भी हमें पता चलता है। तो जो हमारे एंशियंट टिपिक है, जैसे रामायण महाभारत, ये सब मैन्युस्क्रिप्ट हैं और इनसे भी हमें पूर्व इतिहास के बारे में पता चलता है, उस समय की सोशल इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल कंडीशन, मतलब वी केम टू नो अबाउट द सोशल पॉलिटिकल इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ द कंसर्न पीरियड। तो उस समय के बारे में हमें ये सब जानकारी मिलती है। सामाजिक स्थिति के बारे में जानकारी, समाज कैसे बटा हुआ था, क्या ऑक्यूपेशंस था लोगों का, क्या अर्नामेंट्स लोग पहनते थे, लोगों के पहनने का, खाने पीने का लेवल क्या था, ये सब चीजें हमें उस पर पता चलती हैं। तो हमारे लिए जो रिटन वर्क होते हैं वो ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि रिटन वर्क से हमें सही सही जानकारी मिलती है, राइट जो है हमें नॉलेज पता चलता है। इसके अलावा जो इंस्क्रिप्शन, अच्छा हाँ, फिर फॉरेन ट्रेवलर्स हैं, पुराने जमाने में भी फॉरेन ट्रेवलर्स यहाँ आते थे, जैसे फारयान थे, हुएदासन थे, ये लोग उस समय आते थे तो यहाँ पे 10-20 साल रहते थे, लोग यहाँ रहते थे, यहाँ के बारे के लोगों के बारे में लिखते थे, बुक लिखते थे। तो ये जो फॉरेन ट्रेवलर्स है, उन्होंने जो कुछ लिखा है, जो कुछ यहाँ पर उन्होंने देखा है, उसके बारे में उन लोगों ने बुक्स में लिखा। तो ये फॉरेन ट्रेवलर्स के जो जिसे ट्रेवलॉग कहा जाता है, इनसे भी हमें उस समय की राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक स्थितियों के बारे में पता चलता है। इसके बाद आते हैं मॉन्यूमेंट्स। मॉन्यूमेंट्स जैसे जैसे स्मारक कहा जाता है, तो मॉन्यूमेंट्स भी हमें उस समय के लोगों के जीवन स्तर के बारे में पता चलता है। उस समय कौन सी टेक्नोलॉजी यूज की, जैसे इंफॉर्मेशन अबाउट द लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी, उस समय टेक्नोलॉजी का लेवल क्या था, तकनीक का लेवल क्या था, किस तकनीक से, किस टेक्नोलॉजी से कोई बिल्डिंग बनाई गई है। स्मारक मतलब होता है कि जो किसी की भी याद में बनाया जाए, उनमें टेम्पल्स भी आते हैं, उसमें टॉम भी आते हैं। तो मॉन्यूमेंट्स जो होते हैं उनसे हमें टेक्नोलॉजी के बारे में पता चलता है। अच्छा, जितने ये भव्य बिल्डिंग होगी उससे पता चलेगा कि जिस भी व्यक्ति ने उसे बनवाया है वो उस व्यक्ति के रिचनेस के बारे में पता। अगर बिल्डिंग बहुत भव्य है, बहुत विशालकाय है, मैग्निफिकेंट एंड ह्यूज बिल्डिंग है, तो इसका मतलब चलेगा कि जो भी राजा ने बनवाया था या जो भी किसी अगर व्यक्ति ने बनवाया है तो कितना धनी रही होगा। और उस समय की इकोनॉमी के बारे में भी हमें पता चलता है, क्योंकि तो राजा अगर धनी है तो इसका मतलब दो कारण है, एक तो उसका साम्राज्य लंबा होगा, उसका किंगडम लंबा होगा, मतलब एक्सपेंसिव होगा, और दूसरा ये है कि उस समय के लोग भी the people of that time may have also been rich, उस समय को लोग भी रिच रहे होंगे, इसलिए क्योंकि जब लोग रिच हो गए तभी राजा को टैक्स में रेवेन्यू ज्यादा मिलेगा। तो ये भी लोगों के प्रॉस्पेरिटी के बारे में पता चलता है, उस समय की इकोनॉमिक कंडीशन के बारे में पता चलता है। अगर राजा धनी है तो इसका मतलब कि पब्लिक धनी थी, लोगों के पास पैसा था, तभी तो राजा के पास टैक्स के रूप में पैसा आया। हाँ, ये अलग बात है कि कुछ राजा ऐसे थे जो जबरदस्ती भी ले लेते थे, लेकिन वो इतना मायने नहीं रखता है। तो इससे हमें प्रॉस्पेरिटी के बारे में पता, हमें आर्किटेक्चर के बारे में पता चलता है कि उस समय का आर्किटेक्चर क्या था, किस
आर्किटेक्चर से ये बनाया गया है, कौन कौन से आर्किटेक्चरल टेक्निक इसमें यूज की गई है, उससे जैसे तमाम होते हैं, जैसे द्रविड़ शैली होती है, कांगड़ा शैली होती है, नॉर्थ वेलिजर यूज की जाती है वो शैली होती है, इसके अलावा मुगल कालीन शैली है, स्टाइल है, ब्रिटिश स्टाइल है, तो तमाम इस तरह की स्टाइल है, जिससे कि जैसे नागर शैली है, नागर स्टाइल है, द्रविड़ स्टाइल है, तो किस स्टाइल में बनाया गया उससे हमें पता चलता है कि किस स्टाइल में बनाया गया है। उस समय के रिलीजन के बारे में पता चलता है, क्योंकि उस समय किस धर्म को लोग ज्यादा मानते थे, किस देवी देवता की ज्यादा पूजा करते थे। अगर किसी देवी देवता की हमें ज्यादा मूर्तियां मिलती हैं, उनके नाम से अगर हमें मंदिर ज्यादा मिलते हैं, तो इसका मतलब है कि वो मेन डायटी होगा, ऐसा मतलब है कि लोग उनकी उस भगवान की पूजा ज्यादा करते रहे होंगे। और अगर ज्यादा मंदिर में, तो मान लीजिए अगर ज्यादा लोग घर मंदिर में रहते हैं, तो इसका मतलब है कि उस समय पीपल वेयर ऑफ रिलीजियस नेचर, वो धार्मिक विचार के थे लोग, धर्म और उनमें ज्यादा विश्वास करते थे, तो ये सब भी पता चलता है। लाइफ स्टाइल के बारे में पता चलता है, उसमें जो जो मंदिर है या जो भी मनुमेंट्स हैं उसमें जिसकी मूर्ति बनी हुई है, तो अगर मूर्ति बनी है तो उससे हमें लाइफ स्टाइल के बारे में पता चलता है कि उस समय क्या कैसे लोग कपड़ा पहनते थे, कैसे लोग ऑर्नामेंट क्या क्या पहनते थे, इन सब के बारे में हमें पता चलता है। तो ये जो मनुमेंट्स हैं, अरे मैनुस्क्रिप्ट्स और मनुमेंट्स, ये भी हमारे दो बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स हैं। फिर सोर्स होता है, अच्छा जो मनुमेंट्स हैं इनमें एक चीज और है कि उस समय के राजा की सोच विचार के भी बारे में पता चलता है। ऐसे बहुत सारे ऐसे राजा थे जो किसी विशेष देवी देवता की पूजा करते थे, उन विशेष देवी देवताओं के वो मंदिर बनवाते थे, तो हमें ये भी पता चलता है कि उस समय के जो राजा थे जिन्होंने इसे बनवाया है वो किस देवी देवता में विश्वास करते थे, तो या उस समय कौन सा धर्म प्रचलित था। तो ज्यादातर तो एंशियंट पीरियड में अगर हम देखें तो हिंदू धर्म ही प्रचलन में था, ज्यादा हिंदू धर्म था, फिर बुद्धिस्ट आए, फिर जैन आए, तो उससे हमें ये भी पता चलता है। इसके अलावा फिर है नेक्स्ट सोर्स जो है वो क्वाइंस है। जो क्वाइंस होती हैं वो जनरली उस पर एयर ऑफ मिंटिंग लिखा होता है कि किस साल में इस क्वाइन को प्रिंट किया गया, तो एक तो हमें ये पता चल जाता है कि उस समय किसका शासन रहा होगा। कभी कभी उस पर राजा का नाम भी होता था, किंग का नाम भी होता था, क्योंकि पुराने जमाने में तो ये किंग ही इशू करते थे क्वाइंस को, जो कि मीडियम ऑफ एक्सचेंज था, एक लेन देन का एक मीडियम था। तो उस समय किस राजा के समय में इशू किया गया, कभी कभी राजाओं की फोटो भी होती थी या उनके कुछ अपने सिंबल्स होते थे, तो उनसे हमें उस राजा के टाइम के बारे में पता चलता है। अगर क्वाइंस बहुत ज्यादा संख्या में मिलती हैं, तो इससे भी अंदाजा लगाया जाता है कि उस समय के लोग जो है धनी रहे होंगे, बिजनेस एंड कॉमर्स वो काफी अच्छे लेवल पर रहा होगा, हाई लेवल पर रहा होगा, तभी लोगों के घर में इतने क्वाइंस मिल रहे हैं। या अगर कहीं देश विदेश में आपकी क्वाइंस मिलती हैं, या आपके देश में किसी दूसरे द्वाइंस की भी क्वाइंस मिलती हैं, तो देश देश की भी मिल रही, उससे हमें पता चलता है कि हमारा ट्रेड उन देश में होता था, या उस देश के लोग हमारे देश में व्यापार करने के लिए आते थे। तो इस तरह से क्वाइंस से भी हमें जो है ये पता चलता है राजा के उसके बारे में। और दूसरी चीज इससे भी पता चलता है कि कौन कौन सी क्वाइंस सर्कुलेशन में थी, उस समय कौन कौन सी क्वाइंस चलती थी और किस तरह की चलती थी। दूसरी चीज, अगर क्वाइंस मान लीजिए कि एक ही तरह की क्वाइंस जितने क्षेत्र मिल रही हैं, उससे यह भी अंदाजा लगाया जा सकता है कि उस क्षेत्र तक उस राजा का एम्पायर रहा होगा। मतलब ये नहीं कि एक का दुख अगर मिलते हैं तो इससे पता चल सकता है कि उस क्षेत्र से व्यापार होता रहा होगा, बिजनेस होता रहा होगा, लेकिन अगर ज्यादा संख्या में किसी एक विशेष एरिया में मिले हैं, तो इससे भी पता चल सकता है कि उस क्षेत्र तक भी राजा का साम्राज्य था, उसका किंगडम उस जो है वहां तक था। फिर हम आते हैं केक पेंटिंग पर। केक पेंटिंग भी हमारे पास्ट के जानने का एक सोर्स है। जैसे जो हम सपोज कीजिए कि अजंता और एलोरा की जैसे गुफाएं हैं जो केव्स हैं, आप मिलती है महाराष्ट्र में, मिलती है इट इज सिचुएटेड इन द महाराष्ट्र इन द औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट में अजंता एलोरा की गुफाएं मिलती हैं, जिनमें जो अजंता की गुफाएं हैं उनमें हम लोगों को जल्दी जो बुद्धिस्ट बुद्ध धर्म से, भगवान बुद्ध के धर्म से, उनके जीवन से संबंधित हमें वहां पर चित्र जाने मिलते हैं। और एलोरा में जो है हिंदुओं के धर्म, हिंदू धर्म, जैन धर्म और बुद्धिस्ट धर्म, तीनों धर्मों के हमें चित्र मिलते हैं। तो इस
जो केप्स हैं ये, इनसे भी हमें उस समय के कल्चरल लाइफ के बारे में पता चलता है कि उस समय लोगों का कल्चरल लाइफ क्या था। जैसे अगर भगवान बुद्ध के जीवन के विभिन्न अगर पहलुओं को उस पर प्रदर्शित किया गया है, दिखाया गया है, तो हमें उसके बारे में पता चलता है। अच्छा, तो मान लीजिए सब जो बहुत एंशियंट गुफाएं हैं, केव्स हैं, जैसे कि स्टोन एज वगैरह की, तो उस समय जानवरों वगैरह के जो है एनिमल्स वगैरह के चित्र बनाए जाते थे, तो या हंटिंग के सीन दिखाए जाते थे, तो जो केव्स हैं उनसे भी हमें उस समय की कल्चरल लाइफ से हंटिंग का सीन अगर दिखाया गया है तो इसका मतलब ये है कि उस समय लोग शिकार करना पसंद करते थे। अगर देवी देवताओं की मूर्तियां बनाई, चित्र बनाए गए हैं, तो उससे भी हमें पता चलता है कि उस समय किसकी पूजा होती थी, किन देवी देवताओं की पूजा होती थी, या उस समय की कहीं कहीं पे आपको मिलेंगे जैसे डांसिंग के सीन मिलते हैं, तो इससे पता चलता है कि उस समय जो है जो डांसिंग आर्ट है वो भी उस समय प्रचलन में था। तो इस तरह से हम जो या जो वो है हमें रिलीजियस लाइफ के बारे में भी पता चलता है, किस तरह के कलर उस समय जो कलर यूज किए जाते थे वो जनरली नेचुरल कलर ही होते थे, तो उससे भी हमें जो है कौन कौन से कलर यूज किए जाते थे, क्या लाइफ स्टाइल थी लोगों की, क्या लोग पहनना पसंद करते थे, कपड़े क्या पहनते थे, ये सब भी हमें केव पेंटिंग के द्वारा पता चलता है। तो इस तरह से जो हमारे सोर्स है इस जो स्टडी इन द पास्ट, सोर्स ऑफ स्टडी इन द पास्ट है, उनमें आपको सील्स बताया गया, सील्स हैं, मैन्युस्क्रिप्ट्स हैं, मॉन्यूमेंट्स हैं, क्वाइंस हैं, केव पेंटिंग है, ये सब जो है हमें हिस्ट्री के जानने के लिए सोर्स है, इन सबसे हम हिस्ट्री को जानते हैं। जो सबसे इफेक्टिव होता है, सबसे इफेक्टिव जो है मैन्युस्क्रिप्ट्स होते हैं, क्योंकि रिटन वर्क होते हैं, मैन्युस्क्रिप्ट्स होते हैं, फिर मॉन्यूमेंट्स भी होते हैं कभी, क्योंकि वो भी रिटन होते हैं, क्वाइंस जो है उस पर भी लिखा होता है तो भी हमारे लिए सोर्स है, लेकिन जैसे सील्स वगैरह है तो वो सब हमें उतना एग्जैक्ट जो है इंफॉर्मेशन नहीं दे पाते हैं, लेकिन जो रिटन वर्क होते हैं वो हमें ज्यादा इफेक्टिव इंफॉर्मेशन देते हैं और उसे हम उसी को हम सही मान भी सकते हैं। बाकी तो अनुमान होता है, अनुमान लगाया जाता है कि उस समय जो है क्या चीज रही होगी, किस तरह की लाइफ स्टाइल रहेगी, ये जो है हम सिर्फ अनुमान से ही जान पाते हैं। तो स्टूडेंट्स, इस तरह से हम लोगों ने देखा कि किस तरह से जो हमारे क्या क्या सोर्स हैं, हमारे क्या क्या इस पास्ट के जानने में हमारे क्या क्या सोर्स हैं। तो ये लेक्चर ही खत्म होगा, दैट्स ऑल, और फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम नेक्स्ट टॉपिक पर बात करेंगे।